सो हेलो गाइस, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि NEFT, RTGS, IMPS, UPI, इन सभी के माध्यम से जो है आप पैसे बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको NEFT क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि RTGS क्या होता है, RTGS का पूरा नाम क्या है, RTGS कैसे करें, यानी कि यदि आप RTGS के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो पैसे ट्रांसफ़र करने का क्या प्रोसेस होता है, और साथ ही आप जानेंगे कि RTGS के माध्यम से पैसे भेजने में कितना समय लगता है और क्या क्या चार्ज होते हैं, और वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि RTGS और NEFT में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो जो है आपके लिए लेकर आते रहते हैं। RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, यह पैसे ट्रांसफर करने का सबसे तेज सर्विस है। जहां एक ओर यदि आप NEFT के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो समय लगता है, वहीं आप यदि RTGS का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पैसे ट्रांसफर बहुत जल्द ही कर सकते हैं। इसमें पैसे को रियल टाइम में सेटलमेंट किया जाता है, यानी कि आप पैसे जिस भी पर्सन को भेज रहे हैं उसके अकाउंट में बहुत जल्द ही अमाउंट क्रेडिट कर दिए जाते हैं। RTGS सर्विस का इस्तेमाल काफ़ी बड़े अमाउंट को भेजने के लिए किया जाता है, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि यानी कि NFT के बारे में बताया कि इसमें पैसे ट्रांसफ़र करने का कम से कम जो है 1 रुपया और अधिक से अधिक जो है आप जितना चाहें कर सकते हैं, जबकि RTGS सर्विस में ऐसा नहीं होता है। यह सर्विस जो है काफ़ी अधिक अमाउंट को भेजने के लिए इस्तेमाल किया, यह जो सर्विस है RTGS, इसमें आप पैसे जो हैं अधिक से अधिक जो हैं आप जितना चाहें भेज सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है आप इस सर्विस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2 लाख भेजना होगा। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं कि RTGS के माध्यम से पैसे भेजने के लिए कम से कम 2 लाख और अधिक से अधिक जो है आप जितना चाहें पैसे भेज सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप जो पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं और जिस पर्सन को आप पैसे भेजे हैं उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपका पूरा पैसा जो है रिफंड कर दिया जाता है। RTGS कैसे करें, यानी कि आप RTGS के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो पैसे ट्रांसफ़र करने की क्या क्या प्रोसेस होती हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो RTGS से पैसे ट्रांसफ़र करने का 2 मेथड है, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। आप जो हैं ऑनलाइन यानी कि नेट बैंकिंग के ज़रिए पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑफलाइन यानी कि आपका अकाउंट जिस भी बैंक में ओपन हुआ है, यानी कि आपने अपना अकाउंट जिस भी बैंक में खुलवाए हैं, आप वहाँ पर जाकर RTGS सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे जो हैं ऑनलाइन यानी कि नेट बैंकिंग के ज़रिए RTGS के माध्यम का उपयोग करते हुए आप किसी भी पर्सन को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिस भी व्यक्ति को आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको बेनिफिशियरी डिटेल के तौर पे ऐड करना होगा। बेनिफिशियरी डिटेल में आपको यह पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि आपको कौन कौन सी बातें पता होना चाहिए। सबसे पहला नंबर, आपको यह पता होना चाहिए कि उसका बैंक कहाँ पर है और कौन सा बैंक है, यानी कि बैंक नेम। दूसरा जो है अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि उस व्यक्ति का नाम। तीसरा बैंक का IFSC कोड। चौथा अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप में जैसा कि वह अकाउंट करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है या फिर अदर अकाउंट है। यदि आपको ये सारे डिटेल पता होंगे तभी ही आप RTGS सर्विस का इस्तेमाल करते हुए उस पर्सन को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आप RTGS सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितने रुपए चार्ज देने होंगे? सिंपल सी बात है, यदि आप किसी सर्विस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको चार्ज तो देना ही पड़ेगा।
तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप आरटीजीएस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितने रुपए देने होंगे। यदि आप 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 30 रुपए चार्ज देने होते हैं, और आप जो है 5 लाख से और 5 लाख से अधिक पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 55 रुपए चार्ज देने होते हैं। यह चार्ज का अमाउंट जो है बदलते रहता है। आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करने में कितना समय लगता है? जी हाँ दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आरटीजीएस के ज़रिए यदि आप पैसे भेजते हैं तो पैसे आप जिस भी पर्सन को भेज रहे हैं उसके अकाउंट में कितना समय लगता है क्रेडिट होने में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरटीजीएस में पैसे को रियल टाइम में सेटलमेंट कर दिया जाता है। यानी कि यदि आप इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आपके अकाउंट में, यानी कि आप जिस भी पर्सन को पैसे भेजना चाहते हैं उसके अकाउंट में रियल टाइम में पैसे को सेटलमेंट कर दिया जाता है। और आप बैंक से यदि इसको करते हैं तो बैंक में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक इसका कार्य होता है, और जिसमें शनिवार को आपको सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के तकरीबन जो है अप्रोक्स यानी कि लगभग 2 बजे तक होता है। आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या डिफरेंस होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको आरटीजीएस और एनईएफटी का पूरा नाम क्या होता है उसे बताता हूँ। आरटीजीएस का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, और एनईएफटी का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। यदि हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो आरटीजीएस का इस्तेमाल काफ़ी अधिक अमाउंट को भेजने के लिए किया जाता है, इसमें कम से कम 2 लाख रुपए भेजना होता है, और जबकि एनईएफटी का इस्तेमाल छोटे अमाउंट को भेजने के लिए किया जाता है, इसमें जो है आप कम से कम 1 रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आरटीजीएस में पैसे का सेटलमेंट जो होता है वह रियल टाइम में होता है, और वहीं एनईएफटी में पैसे का सेटलमेंट जो होता है हावरली बेस पे होता है। आरटीजीएस में पैसे को इंडिविजुअल सेटलमेंट किया जाता है, और एनईएफटी में पैसे को बैच के तरह जो है सेटलमेंट किया जाता है। तो ये डिफरेंस जो है आरटीजीएस और एनईएफटी में होते हैं।